जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दूरी तापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाश नाशे। जो भी भैरव जी का साधक या काली जी का साधक भैरव जी की विशेष पूजन अर्चन करना चाहता हो, शमशान में भैरव जी के मंदिर में भैरव जी का अभिषेक करना चाहता हो शराब से, वह साधक देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। काल भैरव अष्टमी 27 नवंबर 2021 को आ रही है। 27 नवंबर 2021 शनिवार के दिन काल भैरव अष्टमी है। हिंदू पंचांग के अनुसार तो ऐसे हर माह की कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मासिक कालाष्टमी मनाई जाती है, परंतु मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती के रूप में मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान काल भैरव का अवतरण हुआ था, इसलिए काल भैरव जयंती मनाई जाती है। 27 नवंबर 2021 शनिवार के दिन भगवान शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए थे, भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। और ऐसी मान्यता भी है कि काल भैरव जी की उपासना करने से व्यक्ति के संकट दूर होते हैं, ऊपरी बाधा खत्म होती है, ऊपरी बाधा के लिए आपको सही रास्ता मिलता है, तांत्रिक बाधा नहीं होती है, और यदि हो गई तो उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। इसलिए काल भैरव जी की उपासना करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव ज़्यादा पड़ता हो, ऐसे मनुष्य को काल भैरव जी की पूजा करना चाहिए, और उस दिन उनका विशेष दिन है। तो 27 नवंबर 2021 27 के दिन काल भैरव जी की विशेष पूजन अर्चन आराधना स्तुति अभिषेक सब किया जाएगा। तो जो भी साधक काल भैरव अष्टमी मनाना चाहता हो, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता हो, उनके नाम से हवन करना चाहता हो, उनको शराब से अभिषेक करना चाहता हो, काल भैरव जी की पूजा शमशान में चल करके करना चाहता हो, तो वो साधक मनुष्य देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। और 9893128047 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी कार्य प्रैक्टिकल रूप में होते हैं, चाहे साधना कराने का कार्य हो या पूजन अर्चन करने का काम हो। एक दिन की भैरव जी की साधना है, इसमें आपकी अंतर आत्मा जितनी पवित्र होगी उतना आपको उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। हमारा धर्म है कि काल भैरव जी की पूजा कैसे करना चाहिए, वो प्रक्रिया आपको समझाई जाएगी। शमशान में काल भैरव जी की पूजा कैसे करना चाहिए, वो प्रक्रिया भी आपको बताई जाएगी। काल भैरव जी का शराब से अभिषेक कैसे करते हैं, किन मंत्रों से करते हैं, वो भी आपको बताई जाएगी। और काल भैरव जी का विशेष हवन अनुष्ठान कैसे करते हैं, वो भी आपको बताया भी जाएगा और आपके हाथों से कराया भी जाएगा। इस कार्य हेतु यदि जो भी व्यक्ति करना चाहता हो, उनको प्रसन्न करना चाहता हो, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हो, विधि विधान को सीखना चाहता हो, तो देवराधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे भी कहा जाता है कि काल भैरव जी की पूजा करने से पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, इन सब में आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। और काल भैरव अष्टमी, ऐसे तो कालाष्टमी हर महीने आती ही है, उस दिन भी उनकी पूजा करना चाहिए, परंतु ये दिन उनका विशेष दिन है।
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी काल भैरव जी की पूजा की जाती है। और भैरव जी यदि प्रसन्न हो गए तो निश्चित तौर से आपके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। काल भैरव जी की उपासना करने वाला जो मनुष्य होता है उसे सुबह स्नान ध्यान करके पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, उसके बाद काल भैरव जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि काल भैरव जी प्रेतराज महाराज के ऊपर भी क्षेत्रपाल का दर्जा प्राप्त रखते हैं। तो इस कार्य हेतु पहले नांदी श्राद्ध कर्म, जिसको बोलते हैं पितरों का श्राद्ध कर्म व तर्पण, वो करना चाहिए, उसके बाद में पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन हो सके तो मनुष्य को व्रत उपवास रखना चाहिए और भैरव जी के सामने सरसों के तेल का चार बत्ती का या काले तिल का चार बत्ती वाला दीपक जलाना चाहिए, उड़द के आटे का बना करके, क्योंकि काल भैरव जी को उड़द के आटे का ही दीपक लगाया जाता है। दीपक के नीचे उड़द के दाने अवश्य रखना चाहिए और ऐसी मान्यता है कि इनका वाहन कुत्ता है, इसलिए व्रत खोलने के बाद में जो मनुष्य है उसे अपने हाथ से कुछ न कुछ बना करके कुत्ते को अवश्य खिलाएं, ताकि उनका वाहन है तो उससे वो भी प्रसन्न अवश्य होते हैं। यानी कुत्ते को भरपेट भोजन आपको कराना है। हो सकता है उस दिन यदि आप कुत्ते को कोई मीट रोटी आप खिला सकें तो अवश्य खिलाइए, और इस तरह पूजा करने पर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त हो जाती है। और यदि कोई मनुष्य भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नाद अब्बीस खब्बीस ऊपरी बाधा प्रेत बाधा इनसे परेशान रहता है तो ऐसे मनुष्य को काल भैरव जी की पूजा करना ही करना चाहिए। और काल भैरव जी की पूजा करते समय वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे काल भैरव जी स्वयं अपने आप में तांत्रिक ही है, इसलिए उनकी तांत्रिक पूजा जल्दी सफल होती है। जैसे कि ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे, ओम बम भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। और वैदिक वाले जो बोलते हैं वो बोलते हैं अति क्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपमम भैरव नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातु महर्षि, ये वैदिक मंत्र है। पर इनकी पूजा हम जो करते हैं वो विधि विधान से, तांत्रिक विधान से पूजा होती है। उस दिन मुर्गे की बलि भी दी जा सकती है और शमशान में पूजन अर्चन अवश्य होता है। तो जो भी साधक काल भैरव का साधक हो, माँ भगवती आद्य शक्ति काली का साधक हो, वह मनुष्य काल भैरव जी की पूजा आदि विशेष विधि विधान से नियम कानून से सीखना चाहता हो और करना चाहता हो, चाहे वो आराधना हो, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो हवन हो, तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 27 नवंबर 2021 शनिवार के दिन के लिए। पहले से अपनी सीट आप बुक करा सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। इसके लिए जो उचित दक्षिणा है वह आपको व्हाट्सएप पर संदेश के माध्यम से दी जाएगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।